नाउ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमें क्या करना है, पॉइंट ए और बी के बीच हम लोगों को इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सर्किट आपको दिया हुआ है, ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी, ठीक है। अब देखिए, देखिए सर्किट सिमेट्री टाइप का है, ठीक है। अगर हम एक पार्ट को सॉल्व कर लेते तो सिमिलरली सेकेंड पार्ट का हमारे पास वैल्यू उतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 2 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम, सिमिलरली 1 ओम 1 ओम 1 ओम और 1 ओम। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर्किट के हाफ पार्ट को सॉल्व करते हैं, और जैसे आप हाफ पार्ट को सॉल्व करते हैं सिमिलरली सेकेंड हाफ पार्ट का वैल्यू भी क्या होगा, सिमिलर होगा। लेट सपोज कि पार्ट ए से करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है, ओके। अब जैसे करंट आई यहां तक पहुंचता है तो यहाँ पे उसको दो ब्रांच मिलते हैं करंट को फ्लो करने के लिए। तो देखिए जैसे करंट फ्लो होता है स्ट्रो पार्ट में, लेट सपोज कि इस साइड करंट आई वन चलता है, इस साइड करंट आई टू चलता है, ओके। अब देखिए जब आई वन आई टू हो गया तो ये सर्किट से करंट आई वन चलना है, मतलब ये दोनों रेसिस्टेंस किस में हो गए, सीरीज में हो गए। ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। जब ये दोनों सीरीज में हो गए तो इनके बदले हम क्या लिख सकते हैं, आर प्राइम मान लेते हैं, दैट आर प्राइम इज 2 + 2, दैट इज 4 ओम, ठीक है। अगर सर्किट को रिड्रॉ किया जाए, इफ यू रीड ड्रॉ द सर्किट देन सर्किट लुक्स लाइक दैट, देयर इज अ वैल्यू ऑफ 1 ओम, हियर इज अ वैल्यू ऑफ 1 ओम एंड हियर इज अ वैल्यू ऑफ 1 ओम, और यहां पर आपने क्या किया, सॉल्व किया दैट सर्किट इज ऑफ 4 ओम। नाउ सी हियर, इफ यू सी दैट टू आर इन पैरेलल, बोथ आर इन पैरल, नाउ वी बोथ आर इन पैरल, तो यहां पर अगर हम आर डबल प्राइम देखें दैट इज R1 × R2 / R1 + R2, दैट इज 4/5 ओम, ठीक है। नाउ इफ वी रीड्रॉ द सर्किट देन सर्किट्स लुक लाइक दैट इज द शेप ऑफ सर्किट, दैट सर्किट लुक लाइक दैट इज द रेसिस्टेंस ऑफ वैल्यू 4/5 ओम, हियर इज द 1 ओम एंड हियर इज द 1 ओम, ओके। इट मींस दिस ऑल आर इन सीरीज नाउ, ऑल आर इन सीरीज नाउ। नाउ हियर वी कैन राइट आर इक्विवेलेंट इन दिस फॉर हाफ पार्ट, दैट इज 1 + 4/5 + 1, एलसीएम इज 1, 5 + 4 + 1 दैट इज 5 हियर, ओके, दैट इज 14/5। 14/5 विल गेट हियर आर इक्विवेलेंट, ओके, दैट इज 4/5 + 1 + 1 = 5, 10 for 14/5। नाउ इफ यू सॉल्व द हाफ पार्ट देन यू विल गेट द इक्विवेलेंट इज 14/5। नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर। सिमिलरली इफ यू सॉल्व दिस पार्ट वी ऑल्सो गेट वॉट, 14/5 ओम, सिमिलरली, ओके। देयरफॉर सर्किट्स लुक लाइक दैट इज द रियल सर्किट, दैट्स लुक लाइक दैट इज ऑफ 14/5 एंड इट इज ऑल्सो ऑफ 14/5। दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। नाउ बोथ आर इन सीरीज, एक्चुअल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट सर्किट, और हियर वी कैन राइट लाइक दैट इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, वी कैन राइट लाइक दैट बोथ आर इन इक्वल, दैट इज एन इन टू आर, एन इज 2 × 14/5, दैट इज वी कैन राइट लाइक दैट 28/5, ओके, 28/5 इफ विल सॉल्व इट सिंपल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 विल गेट 56/10, इट मींस 5/5.6 ओम, द एक्चुअल आंसर ऑफ द सर्किट इज 5.6 ओम, ओके। Now moving toward the next part. Next question is, a technician has two resistances coil, okay, by using them separately in series or parallel, okay. एक बार वो सीरीज में हो सकता है कनेक्ट किया हो, पैरेलल में कनेक्ट किया हो, he is able to obtain resistance. तो उसने क्या किया, कुछ वैल्यू मिला, चार वैल्यू मिला, 3, 4, 12 और 16 ओम का, नॉट इन द सेम ऑर्डर, वट इज द रेसिस्टेंस ऑफ टू कॉयल, हमें बताना है क्या कि उस टू कॉयल के रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। देखिए उसने क्या किया, सीरीज में और पैरेलल में चेक किया, एंड आफ्टर चेकिंग द गेट वैल्यू ऑफ 3, 4, 12 एंड 16। सी दिस इज 16 इज द मैक्सिमम वैल्यू,
एंड 3 इज द मिनिमम वैल्यू। ओके, अब आपको पता है कि सीरीज में मैक्सिमम मिलता है या पैरेलल मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। अब देखिए, आर इक्विवेलेंट इज मैक्सिमम कब होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, आर इक्विवेलेंट क्या होता है मैक्सिमम किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। कितने स्क्वायर्स हैं, 2, इट मींस आर वन और आर टू की बात हो रही है। तो दोनों को आप कंबाइन कर लीजिए तो कितना वैल्यू मिलेगा, 16 मिलेगा वैल्यू मैक्सिमम। मिनिमम कब मिलता है, दैट इज आर इक्विवेलेंट इज मिनिमम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इट मींस हियर पैरेलल में क्या होगा, आर वन इंटू आर टू बाई आर वन प्लस आर टू, दैट मस्ट बी इक्वल टू 3। और आर वन इंटू आर टू इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आर वन प्लस आर टू। आर वन प्लस आर टू की वैल्यू आपके पास 16 है, दैट इज 16, दैट इज 48। आर वन इंटू आर टू की वैल्यू कितना हो गया, 48 हो गया। अब देखिए, अगर हमारे पास आर वन माइनस आर टू मिल जाए तो हम लोग इजीली सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। लेट सपोज दिस इज द फर्स्ट, हमें अब क्या करना है, आर वन माइनस आर टू फाइंड कर लेते हैं तो हम लोग उसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो आर वन माइनस आर टू का जो फॉर्मूला, देखिए सिंपल से कैसे आपको इक्विवेलेंट का सम का फॉर्मूला पता है, सम पता है, कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंस कैसे करना है ये देखना आपको, कैसे डिफरेंस निकाल सकते हैं इस इक्विवेलेंट का। तो फॉर्मूला इज आर वन प्लस आर टू होल स्क्वायर माइनस 4 आर वन इंटू आर टू अंडर रूट। ओके, आर वन प्लस आर टू कितना है, 16, दैट इज 16 स्क्वायर माइनस 4 इंटू आर वन आर टू कितना है, दैट इज 48 अंडर रूट। 16 यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से 16 जैसे कॉमन लेते हैं, 16 बच जाएगा माइनस 4 और यहां से 3 बच जाएगा। ठीक है, 16 3 जा 48, 16 कॉमन ले लिया, 3 बच जाएगा, दैट इज 16 इंटू 16 माइनस 12, इट बिकम्स 16 इंटू 4। अब देखिए 16 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 किसका अंडर रूट होता है, 8 का, दैट इज द आर वन माइनस आर टू की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, दैट्स क्वेश्चन नंबर 2। ओके, 16 इंटू 4, 4 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 64 किसका अंडर रूट होता है, 8 का, 8 into 8 64, that means r1 minus r2 आपके पास 8 हो गया। चलिए, अब आपके पास एक ही क्वेश्चन है, r1 plus r2 16 और r1 minus r2 is equal to 8। अब दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड कर लीजिए, तो जैसे आप r1 plus r2 is equal to 16 ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, the r2 cancel, that is 2 times of r1 is equal to, that is 24। 24 r1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इस r1 को अगर मैं 1 में पुट कर लूं फ्रॉम इक्वेशन 1, दैट इज r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 16, r1 इज 12 प्लस r2 इज इक्वल टू 16 एंड द r2 इज इक्वल टू 4। तो आपको ये निकालना था कि दोनों का वैल्यू कितना होगा, R1 R2 का। ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स, टू कॉइल्स के वैल्यू क्या होंगे, द वैल्यू ऑफ टू कॉइल्स इज 4 एंड 12 ओम। ओके, द वैल्यू ऑफ टू कॉइल्स इज 4 एंड 12 ओम एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा।